और हमारे हरियाणा के सुनने वाले देखने वाले सभी पत्रकार मित्र, हमारे सभी भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और दुआएं। मैं राजयोगी निकुंज माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय से, हमारे यहाँ मीडिया विंग की जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है वहाँ पे हमारे सब हरियाणा से आए हुए पत्रकार मित्र हैं, उनसे कुछ लेन देन हमारी चल रही थी विचारों की, आप सभी के सामने आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप सभी को भी भावभीना निमंत्रण है, एक बार जरूर सभी पत्रकार मित्र माउंट आबू पर एक बार जरूर विजिट करने आइए। सर, पहले की पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में क्या अंतर है? किस तरह से पत्रकारों ने अपना कार्यभार संभालना चाहिए? देश और समाज को किस तरह की पत्रकारिता की आवश्यकता है? पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में एक सबसे बड़ा फर्क है। पहले पत्रकार जो होते तो झोला लेके खादी का कुर्ता पहन के जाते थे, तो वो एक मैं कहूँगा कि भाई उनको दूर से पहचान जाते थे, भाई पत्रकार है। अब आज जो पत्रकार है उनको तो पहचान ही नहीं सकते, वो तो सूट बूट मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में घूमने वाले। तो अभी अभी के पत्रकार धनवान है, पर धन में धनवान, मूल्यों में कंगाल हो गए हैं। पहले के पत्रकार धन से धनवान नहीं थे, मूल्यों से धनवान थे, ये सबसे बड़ा फर्क मैं देख रहा हूं। दूसरा मैं देख रहा हूं कि आज से ज्यादा दूर नहीं किंतु 20 वर्ष पूर्व भी इतना कमर्शियलिज्म नहीं था, परंतु अभी जिस प्रकार का कमर्शियलिज्म हो गया है उसके चलते एक वर्तमान पत्र को चलाना ये काफी चुनौतीपूर्ण हो गई ये चीज। आज यूक्रेन रशिया के युद्ध के बाद जो न्यूज प्रिंट पेपर के भाव बढ़ गए हैं, ये सब चीजों के मद्देनजर मैं कहूंगा आज की तारीख में जो पत्रकार न्यूज पेपर चलाता है इसी देश में सबसे ज्यादा शूरवीर वो है, दमखम है जिसमें वो चला पाते हैं। वरना आज एक वृत्त पत्र को चलाना ये बहुत 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 चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य है। मोदी कार्यकाल में प्रधानमंत्री की एक इच्छा थी कि जिस तरह से चाहे हमारा एमएलए है चाहे एमपी है भ्रष्टाचार ना करें, उनके लिए भी वेतन दिया जाए और वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। लेकिन पत्रकारिता उसी स्तर पे जा रही है, पत्रकारों को इतना भी गुजारे लायक कोई मानदेय नहीं मिलता है, वो भी एलिगेशन वालों को मिलता है। लेकिन बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो बहुत ही एक ये इसको ये कह सकते हैं कि बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पत्रकारिता होगी? ये सब लोग राजनीति का फायदा उठाते हुए अपना लाभ ले गए हैं, लेकिन पत्रकारों का आज भी शोषण हो रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप? मैं राजनीति तो इतना जानता नहीं हूँ, समझता नहीं हूँ, क्योंकि सारे राजनेता हमारे पास ही आते हैं, उनको टेंशन स्ट्रेस आते तो हमारे पास ही आते हैं। पर चूंकि मैं खुद एक पत्रकार हूँ इसीलिए मैं इस बात को अनेक प्लेटफॉर्म पे मैंने अनेक बारी उठाई है, इवन राजनेताओं को भी कहा है। मेरे को आज ही सुबह कुछ 5-6 पत्रकार मित्र हमारे आए थे, हाँ हमको भाई पत्रकारों के लिए वो प्लॉट का आवंटन हुआ था, वो घोषित हो गया था, परंतु हमको प्लॉट नहीं अब तक मिला है घर बनाने के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं आपकी तरफ से जरूर मैं पत्र लिखूंगा। एक मेरे को यह मेरे दिल को ये हमेशा ये लगता है कि पत्रकारिता अपनी जगह ठीक है, परंतु आज एक खबर लाना, उसको प्रस्तुत करना लोगों तक, ये एक प्रकार से मैं कहता हूं निस्वार्थ सेवा ही है, भले जो भी है। पर आज भटक करके न्यूज लाना और पेश करना, आज उन्हें भी हक है डिग्निटी के साथ जीने का, उन्हें भी हक है उनका घर खुद का हो, उनके परिवार के अंदर सुख से सब रहे, उन्हें भी हक है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिला लें, पत्रकारों को भी हक है कि उनके बच्चे जो है हायर एजुकेशन जाए। और मैं इसीलिए भी मेरा दिल ये बात को थोड़ा मानता है और समझता है कि यदि अपने ही माता पिता की वो ऐसी हालत देखेंगे तो कौन सा बच्चा पत्रकारिता सिलेक्ट करेगा, बोले हमको नहीं करना है। ये बहुत जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम ये एक एग्जाम्पल बनाए। हम ये नहीं कहते बंगला गाड़ी ने 5 स्टार दे दो, परंतु एक
प्रत्येक व्यक्ति को एक राइट है डिग्निटी के साथ जीने का, सम्मान के साथ जीने का, तो उनको अपना घर मिलना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मत है। और आज के समय में सर पत्रकारों के साथ जैसे दिन प्रतिदिन देखते हैं हमले बढ़ते जा रहे हैं, कोई इनके ऊपर हमला करवा देता है, अगर किसी की पॉजिटिव सकारात्मक खबर दिखाई है तो वो तो ठीक है, अगर उसी व्यक्ति के पास या किसी राजनीतिक व्यक्ति या कोई किसी भी व्यक्ति के साथ अगर नकारात्मक खबर चला दी जाती है तो पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी आजकल बढ़ती जा रही है, उसी विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ पार्लियामेंट में अनेक बार इस पर चर्चा भी हुई है, ये एक इस मुद्दे पर और डॉक्टरों के मुद्दे पर भी, कि जब मरीज मर जाते हैं तो उनको पीटते हैं मारते हैं। अब मुझे लगता है कुछ कुछ राज्यों में उन्होंने लॉ पास भी किया है कि यदि किसी भी पत्रकार के ऊपर ऑन ड्यूटी यदि कोई हमला करता है तो आईपीसी के तहत ये गुनाह है और उनको अरेस्ट भी किया जाता है। इसमें ये एक ऐसी दोधारी तलवार है जो एक अंग्रेजी में वर्ड है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी। तो पत्रकारों का काम है कि हम खबरों को चेज करते हुए इतना भी आगे नहीं निकल जाए कि किसी की व्यक्तिगत प्राइवेसी है उस पर हम हमला कर बैठे। मीडिया को अपनी सीमा का पता होना चाहिए और आम नागरिक को भी अपनी सीमा का पता होना चाहिए और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें भी अपनी सीमा का पता होना चाहिए। यदि सभी अपनी अपनी सीमा का ध्यान रखते हुए उसके अंदर रह करके करेंगे तो समाज के अंदर एक सामंजस्य बना रहेगा, जहां जिसने अपनी लाइन क्रॉस की तो एक असमंजसता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो आज हम देख रहे हैं कोई भी अपनी लाइन के अंदर नहीं रह रहा है। क्यों? हर एक को लगता है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, हमारे में पावर ज्यादा है, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ईश्वर ने हर एक को अपना अपना दायित्व दिया है और हर एक को उस दायित्व का निर्वहन अपनी अपनी रेखा के अंदर रह के करना है, ये बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे रेखा कौन तय करेगा? आपको तय करना है, हम कौन होते हैं? क्योंकि आपके भी घर में परिवार वाले हैं, सामने वाले के भी घर में परिवार वाले हैं, तो ऐसी कई चीजें होती है जिसमें इंफ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी होती है तो वो ठीक नहीं है। परंतु इसके साथ साथ सत्य जो है उसको सत्य के तौर पर ही पेश करना, बिना किसी भी प्रकार की गोलमाल किए हुए, मिक्स किए हुए, ये भी बहुत जरूरी है, जो आज के समय में मैं समझता हूँ अत्यंत आवश्यक है। और कल एक सेशन चला हुआ था कि हर पत्रकार को पॉजिटिव 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 यानी सकारात्मक खबर दिखाने के लिए, तो अगर कोई नकारात्मक खबर होती है तो हम सकारात्मक में कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अति उत्तम प्रश्न पूछा है। ऐसा है कि एक बच्चा है, वो जब जिद करता है कि भाई मेरे को चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, और जिद करता है, रोता है, रास्ते में बैठ जाता है, कई बार हमने दृश्य देखा रहेंगे। अभी वो माँ का काम है उसको मनाना, बड़ा डिफिकल्ट काम है, तो फिर माँ उसको कैसे मनाती है? हमने आपने सबने अनुभव किया है, तो माँ उसको क्या कहती है? उसको घुमा के बोलती है कि भाई आज जो तुमको चॉकलेट पसंद है वो नहीं है, दुकान वाले ने बोला वो परसों आएगी, परसों दिलाती हूँ, आज तू ये ले ले। तो जो उसके स्वास्थ्य के लिए हितकारक है वो चीज उसको तभी खिला देती है, बाद में दो दिन के बाद तो भूल जाता है। समाज का भी यही है, उनको याद कहाँ रहता है? आप तो सब जानते हो अच्छी तरह से, एनी न्यूज हैज ए न्यूज वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन वन आवर। मैं ये बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ क्योंकि तुरंत दूसरी न्यूज आ जाती है, लोग भूल जाते हैं, तो पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। तो इसीलिए नकारात्मक भी है पर उसको थोड़ा सा सकारात्मक अमली जामा पहना कर लोगों को देना जरूर है। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा, भाई समाज में जो इतने शोषण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो हम नहीं छापे? आप लोग, आप सब टीका करते हैं, पेपर में क्या आता है, जो देखो खोलो दंगा हो गया ये कर, तो हम नहीं छापे ना, फिर क्या छापे? हम नहीं कहते मत छापो, परंतु उसका जो चित्रीकरण है, विशेष करके हमारे जो टीवी जगत के पत्रकार है उनके लिए मैं, उसका जो चित्रीकरण है, उसका जो एक पेश करने का तरीका है,
वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देखने वाले के मानस के ऊपर एक इनसेंसिटिव प्रहार हो, वो नहीं होना चाहिए। सब कुछ दिखाना है। अरे प्रत्येक पत्रकार को मैं कहता हूं कोई चीज छुपानी नहीं है, पर पेश करने का ढंग थोड़ा मैं कहूंगा अच्छा हो, सकारात्मक नहीं कहूंगा, अच्छा हो, परिवार के लायक हो, पर दिखाना जरूर है। आज की पत्रकारिता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? तो मैं युवा पत्रकारों से यही कहूंगा कि भाई पत्रकारिता जो है वो एक प्रकार की क्रांति है। ये तो पैसा कमाने का ही बहुत रुचि है तो कॉर्पोरेट जॉब कीजिए, पत्रकारिता क्रांति का एक प्रकार है। क्रांति करने के लिए आपके हाथ में कलम है, कैमरा है या जो भी साधन है, अगर आपके अंदर उत्ती करने का जज्बा है तो बेशक आइए पत्रकारिता में, अन्यथा बहुत दूसरे क्षेत्र है उसमें आपको जाना चाहिए। धन्यवाद।